तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर की बहुत ही प्यारी सी जगह में, और ये मेरे मित्र हैं। पिछले साल मैं इनसे मिला था और ये बहुत धंधी आदमी हैं। अभी जैसे इन्होंने गन्ने का जूस शुरू किया है, उसके बाद ये फिर भुट्टे शुरू करेंगे। सही बात है ना? तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, मित्र हैं। अच्छा ये बताओ, चुनाव में कुछ माहौल समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। शांति है एकदम? बिल्कुल शांति है। क्यों शांति है? पता नहीं सर। और चुनाव एकदम नजदीक है यार, बिल्कुल। फिर क्यों शांति है इतनी? क्या बता सकते हैं? बहुत बढ़िया टेस्ट है यार, नाइस। क्या बता सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष ने हार मान लिया है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर उसके अलावा कुछ हो जाने ना सर। तो फिर क्यों गर्मा गर्मी नहीं है अभी? तो सर मैं भी नहीं बता सकता है। कुछ तो लगता होगा ना, सोचते हैं कि नहीं सोचते उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में क्या सोचना बोलते हैं, जो कुछ आएगा सो आएगा ही सामने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जैसे अभी जबलपुर में जो चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कौन जीतेगा? जानते हैं कौन कौन लड़ रहे हैं? वोट देते हैं? हाँ, मैं तो देता हूँ। तो कैसे निश्चित करते हैं कि किसको वोट देना है? मेरे हिसाब से तो क्या बोलते हैं, बीजेपी। अच्छा, ऐसा क्यों? अब सर अब जैसा भी हो। नहीं, कुछ तो कारण होगा ना सर। क्या वो क्या कारण मिल पाएगा कि आप बीजेपी को चुनेंगे? जो सब में दौड़ रहा है वो भी अपने। अच्छा, तो कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? सर ऐसा है, सरकारी कोई योजना तो वो सब ठीक है। अथवा वो चालू रहती हुई तो बहुत अच्छी बात है। जो मिल सकती है बहुत सही है। हालांकि जो आपको क्या क्या मिलता है? बस घर का राशन वगैरह मिलता है। राशन मिलता है? मुझे एक रिक्शा चलाने वाले मिले थे, उनका राशन कार्ड भी नहीं बना है, उनको कुछ नहीं मिलता। और कल उनको एक होटल वाले ने खाना दिया था, तो वो घर में खाना लेके जा रहे थे, तो 1 बजे हम ग्वारी घाट गए थे, ग्वारी घाट से वापस आ रहे थे, तो हमने देखा कि वो आ रहे हैं, तो मैंने सोचा बातचीत की जाए। बातचीत करने से ही पता चलता है ना कि असलियत क्या है। तो जैसे आपको मिल रहा है, तो सरकार दे रही है तब तो मिल रहा है। आवास नहीं मिला आपको? वो नहीं, आवश्यकता है? है, लेकिन उसको 2-3 बार भर चुका है। अच्छा, और अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। क्या समस्या आती है? कुछ नहीं, हाँ ना मैं जवाब मिल जाता बस। अभी लगता है प्रधानमंत्री आवास योजना रुक भी गई है। अभी पिछले 2-3 सालों से मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा नए मकान नहीं मिले हैं। 2 साल पहले भरा था। अच्छा, 2 साल से फॉर्म भर रहे हैं? कितने बार भर चुके हैं? 2 चक्कर भर चुके, दोनों चक्कर रद्द। अच्छा, तो रद्द क्यों हुआ, कुछ जानकारी है? अब ये तो सर हमको क्या, गरीब व्यक्ति कहाँ से जानकारी? नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको जानकारी तो हो कि क्यों नहीं मिला। जहाँ तक बनता है वहाँ तक तो कोशिश कर लेते हैं। बाकी फिर तो क्या लगता है क्यों नहीं मिला? अब ये तो जानकारी अपने को भी नहीं। नहीं, कुछ तो लगता होगा ना। देखिए, कोई डरने वरने वाली बात नहीं है, आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं और ना मैं बुराई खोज रहा हूँ किसी में, पर एक कमी है। अगर आपको आवश्यकता है, सरकार दे रही है, लोग इस चीज के लिए टैक्स दे रहे हैं, पता है जी, वो तो मतलब जो व्यक्ति कमाता है, चाहे वो धंधे वाला आदमी हो, चाहे वो नौकरी करने वाला आदमी हो, जो 25-30-40 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं तो 30% देते हैं। मतलब लाखों रुपए महीना वो सरकार को टैक्स में देते हैं। किसके लिए? आप जैसे लोगों के लिए, ताकि सरकार आप जैसे लोगों की को चुन सके, देख सके। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति को दे सकें, आपको ढूंढ सकें, आपसे बात कर सकें। आप तो यहीं पे हैं, कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, रोड में ही खड़े हैं। और जितने भी लोग होंगे जो डिसीजन मेकर्स होंगे, जो आपको आपकी हेल्प कर सकते हैं, है ना, आपके आवास में या अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ में।
जूस बहुत मीठा नहीं है यार, क्या वजह है? थोड़ा सा क्या है कि गर्मी थोड़ा सा और बढ़ते जाए हाँ। तो फिर उस हिसाब से गन्ने निकलते आते हैं। अभी नया गन्ना आ रहा ना। तो क्या कहेंगे जो सरकारी अफसर इस रोड से गुजरते होंगे या कहीं से गुजरते होंगे, उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? देखिए, कमी उसको ही पता होती है जिसको कमी होती है। जिसको लाभ नहीं मिला उसी को पता है कि उसको जरूरत है लेकिन लाभ नहीं मिला। नहीं, हालांकि ये तो नहीं मिला जबकि मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए। आपको कहीं ऐसा लगा कि आपको नहीं मिला, आप ज्यादा गरीब थे, आपको ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन आपके जान पहचान या सराउंडिंग में किसी ऐसे आदमी को मिला जिसको आवश्यकता ही नहीं थी? मिला। ऐसा हुआ? क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? अब ये जानकारी में क्या बता सकते हैं? ठीक है, ये जानकारी सरकार को चाहिए। ऐसा हुआ, आप ये वो बात बोल रहे हैं, अब वो सरकार को ढूंढना चाहिए कि ये ऐसा ना हो, आपको पहले मिले क्योंकि आपको पहले आवश्यकता है। दो दो चक्कर भरा हूँ, कच्चा मकान है। कच्चा मकान है? कच्चा मकान है, सीट वगैरह डली है। अच्छा, कौन से क्षेत्र में रहते हैं? यहीं रामपुर चौधरी मोहल्ला। अच्छा अच्छा, तो आवश्यकता तो है घर की। कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, शहर के बाहर उनको बसाया गया। वगैरह सब जगह मिले है, यानी कि थोड़ा दूर करके एक मोहल्ले बाद वहाँ वगैरह मिले। तो मतलब मिल रहे हैं लोगों को, थोड़ी अनियमितता है ना। मोदी जी को जानते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत बहुत कहो, हो सकता है वो आपकी बात को सुने। डायरेक्ट मैसेज क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से तो यही कहना चाहेंगे बस, सब सब ठीक ठाक चलते रहे और सब, यानी कि थोड़ा सा महंगाई में ध्यान दें, बस बस इतनी निवेदन है आपसे बस। कितनी महंगाई बढ़ी? बस सर, 300 कमाता हूँ तो 350 का लेके जाना पड़ता है राशन पर। राशन फिर भी थोड़ी हेल्प मिल रही है। आपको पता है दुनिया में ऐसे भी देश हैं, मैं जिस देश में रहता हूँ बहुत गरीबी है, लेकिन सरकार अन्न का एक दाना नहीं देती गरीबों को कि चलो ठीक है तुम भूखे तो नहीं मरोगे। भारत अपना ऐसा देश है जहाँ ये है कि राशन लगभग लगभग सबको मिलता है, कुछ लोगों को नहीं भी मिलता, जैसे मैं रिक्शे वाले भैया की बात बता रहा हूँ, बट सबको मिलता है। राहुल गांधी जी को भी जानते हैं जी। आप फंसने लगे, कहो कुछ उनके बारे में क्या जानते हो आप? सर अब वो तो अब जो भी हो दोनों विपक्ष, अब वो तो मैं तो आम व्यक्ति, तो मालूम ही नहीं। क्या लगता है राहुल गांधी जी अभी राजनीति को लेके सीरियस हुए हैं, जैसे कि मोदी जी भी उनके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि वो बस हो गया टाइम पास करते हैं राजनीति में, क्या लगता है वो सीरियस हो रहे हैं राहुल गांधी? पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है, है। अब जो जीतना होगा वो होगा। जनता देख रही है, जनता को देख ही रही है। तो अगर आप बता सकें तो बताएं आप किसको वोट देने वाले हैं? निवेदन है जो मैं तो कमी में जाके देता हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो मतलब आपको क्या लगता है जबलपुर से कौन सी पार्टी जीतेगी? अब सर मैं तो यानी कि कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, यानी कि ये सब चीज़ों में यानी कि दूर रहता हूँ। नहीं देखिए, ये कोई मुसीबत वाली बात नहीं है, आप ये मत समझो। वो नहीं बोल रहा हूँ, आवाज़ स्वतंत्र होनी चाहिए और आपकी आवाज़ अगर आपके पास कुछ है कहने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा महोत्सव है, हमारा देश सबसे बड़ा गणतंत्र है और सबको आज़ादी है, इतनी आज़ादी सब देशों में नहीं है। नहीं ये तो बराबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे रोड में हम खड़े नहीं हो सकते, कई देश ऐसे हैं और ऐसे बातचीत नहीं कर सकते। तो आप कहो क्या कहना चाहते हो, संदेश दो अपने नेताओं को कि उनको क्या करना चाहिए, कहाँ गलती कर रहे हैं। बस मेरी निवेदन यही है कि सबको ठीक ठाक चले और सब कुछ रहे। हाँ हाँ, सब बढ़िया से बना रहे। तो विकास आप देख रहे हैं जबलपुर में, विकास हुआ है? सर विकास के साथ तो ठीक है, विकास तो हो रहा है, विकास के साथ तो ठीक है, लेकिन हल्का सा और भी चीज़ें में ध्यान दें तो। और क्या क्या होना चाहिए जबलपुर में? बस अब क्या होना चाहिए है बताओ आप।
जो गरीब का हक है वो गरीब को मिलना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो सरकार तो दे रही है। सरकार तो दे रही है, आपको नहीं मिल रहा है तो क्या लगता है सरकार को उनको ठीक करना चाहिए जो आपको नहीं दे रहे हैं? तो उसमें क्या कर सकती सर? नहीं, उसमें तो सरकार को ही कंट्रोल करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो इतने सशक्त नहीं हैं कि आप सिस्टम से लड़ सकें, है ना? तो सरकार को ही सिस्टम दुरुस्त करना पड़ेगा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा ज़्यादा, सही है ना? ये बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा मित्र, ये मेरे दोस्त थे, और मैं चाहूँगा कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो इनकी बात को अच्छे से समझें, सुने, गौर करें और उन चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करें जो दुरुस्त नहीं है, जहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। बाकी देखा जा रहा है कि लोग पॉजिटिव हैं, अपनी आवाज़ भी बोलना चाहते हैं, बट ठीक है, सब हर व्यक्ति अपनी आवाज़ जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता, और इसीलिए हम जैसे लोग हैं जो कोशिश करें ये जानने की कि ऑनेस्टली ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिन पे सरकार और सिस्टम को काम करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा खुशहाली आएगी, अपना देश और ज़्यादा संपन्न होगा, लोग ज़्यादा सशक्त होंगे, और ये काम, इसमें पैसे की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ पारदर्शिता और थोड़ी सी ईमानदारी, हर लेवल पर काम करने वाले सिस्टम में बैठे शासन प्रशासन के उन लोगों की जिम्मेदारी है कि ये लोग ऐसे ही रास्ते पे मिल जाएंगे, कम से कम इनसे तो बात करें, इनकी समस्या दूर करें। हो सकता है आप डायरेक्टली गांवों में नहीं जा सकते या झुग्गी झोपड़ियों में नहीं जा सकते, पर आप ये तो कर ही सकते हैं, तो आप ये करने की कोशिश करें, लोगों से जानने की कोशिश करें, ये लोग ही आपको ढेर सारी जानकारी दे देंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अभी चुनावी यात्रा पर हूँ, चुनावी यात्रा कवर कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव का, और इस वक्त हूँ मैं जबलपुर में। मैं जहाँ भी रहूँगा, जैसा भी रहूँगा, आप सबको लोकसभा चुनाव से लेकर अपडेट देता रहूँगा, तो बने रहें आप लोग द खबरदार न्यूज के साथ, और हमारी चुनावी यात्रा देखना ना भूलें। द खबरदार न्यूज की इस चुनावी यात्रा पे मैं हूँ, मेरा नाम है विजय मिश्रा, मेरे साथ में है अनुपम, अनूप बहुत अच्छा पब्लिक इंटरव्यू करते हैं अनुपम, आप सब उनकी पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। मेरे साथ में है अमित भोपाल का जो संभाग है वो संभाल रहे हैं, इसके साथ में और भी रैंडमली हमारे साथ में बहुत अच्छे क्रिएटिव लोग जुड़े हुए हैं जो सार्थक न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश में। तो मेरा मध्य प्रदेश के लोगों से आग्रह है कि आप लोग द खबरदार न्यूज़ को देखना शुरू कर दें, ताकि हम लोग कुछ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जनता के बीच में पहुंचा सकें, हमारे ही आसपास के लोगों को ये बता सकें कि आपके मोहल्ले में एक रिक्शे वाला है जो रात में 1 बजे घर पहुंचने की कोशिश करता है, 70 रुपये दिन भर की मजदूरी उसने जो कमाई होती है वो लेके घर में जाता है, और किसी अच्छे रेस्टोरेंट वालों ने कुछ उसको बचा खुचा कुछ खाना दे देता है जो उसके लिए बहुत मीनिंगफुल और बहुत कीमती था, बहुत संजो के वो अपने घर में लेके जा रहा था। मैं चाहता हूँ ऑनेस्टली कि राजनीति अपनी जगह पर है, आज के समय में बहुत से युवा राजनीति की ओर प्रेरित हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और कुछ अच्छा करके नाम भी कमाना चाहते हैं। ऐसे युवा नेताओं से मेरा आग्रह है कि इस तरह के लोगों को आप ढूंढें, जिस तरह से मैं यहाँ पे इनसे बात कर रहा हूँ कि आपकी क्या समस्या है, क्योंकि ये तो पता है ना कि ये इनको कुछ ना कुछ तो कमी होगी जिसमें सरकार और सरकारी योजनाएं बहुत हेल्प कर सकती हैं इनका जीवन अपग्रेड करने में, इनकी लाइफ एक्सपीरियंस, इनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा अगर सरकार के लोग, सिस्टम के लोग ईमानदारी से प्रयास करें इस काम को करने के लिए, सरकार की उन योजनाओं को फॉलो करने के लिए ऑनेस्टली, तो बहुत डिफरेंस आएगा। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में थोड़ा सा ईमानदारी और ढेर सारी पारदर्शिता लेकर आए, इसी पारदर्शिता को देखने के लिए आप बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।